हाय गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और जितने भी नवयुगल प्रेमी हैं उन सभी लोगों को चॉकलेट दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। चॉकलेट नवयुगल प्रेमी, ये मेरी तरफ से नया हैशटैग है। चॉकलेट खाएं खुद से खरीद के, और दुकान पे जाएं, अजीब अजीब नाम से नई नई चॉकलेट्स आ चुकी है मार्केट में नए नए फ्लेवर्स के साथ। फेरेरो रोशर्स 10-12 बार बोलेंगे तो आपको भी ये नाम क्लियर हो जाएगा, कि स्पेलिंग के बारे में आपको पता चलेगा, इसकी स्पेलिंग कुछ अलग तरीके की होती है, ठीक है ना। तो ये जो है चॉकलेट दिवस आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। इस दिन जितने लोगों की बनियां हैं उनका कटेगा ही, ठीक है, बंदियां भी हैं जो भी आप कहना चाहते हैं। उसके बाद फिर टेडी डे पे भी आपका कटेगा, फिर प्रॉमिस डे पे तो आपका कटता ही है, उसके बाद दो और डेज आते हैं उस पर भी आपका खूब कटेगा, ठीक है ना। गुलाब डे पे आपका कट चुका होगा मेरे ख्याल से, तो जीवन में कट रहा है। लोग कहते हैं ना, क्या चल रहा है, कट रही है यार। तो यही जो कटना होता है ना, ये वो वाला कटना है, ठीक है ना। तो उसी नोट पे आज के व्लॉग की शुरुआत करते हैं। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सिंबू, तू मेरा कितना काटेगा बे? फिलहाल तो ये पता नहीं, अपनी कोई बोन है उसको काट रहा है। काटना शब्द कितनी जगह यूज हो सकता है। अगर कुत्ता आपको काटे तो वो काटना, ठीक है। जेब आपकी कट जाए तो वो भी कटना हो गया। मालिक आपकी पगार काट ले तो वो भी कटना हो गया। कोई आपका खुद्दू काट दे तो उसको भी काटना ही कहते हैं। आपका काम नहीं हो रहा है, वैलेंटाइन वीक में कटेगा लड़कों का, हाँ, उसी को खुद्दू कटना कहते हैं। बहुत सारी चीजें। तो आज का जो व्लॉग है वो बेसिकली कटने के ऊपर रहेगा। कितना किसका कटेगा प्लीज ड्रॉप करिएगा, अपने कॉमेंट्स बताइएगा कि किसका कितना कटा, ठीक है ना। काफी ज्यादा इस वीक में लोगों का कटता है, सॉलिड वाला कटता है, और ज्यादातर लोगों की सालगिरह भी इसी वीक के आसपास ही होती है। जैसे मेरी खुद की थी, मेरा तो कटा ही कटा था, ठीक है ना। तो कटा किसका किसका। अच्छा, ये लाइन जो है, ये जो स्लॉग, जो स्लॉग बोल रहा हूँ, ये जो चीज कही जाती है नॉर्मली किसके लिए कही जाती है, बंदों के लिए कि बंदियों के लिए, ये भी एक बात है। जो जिसकी काट ले, जो जिसको काट दे या जो जिसकी काट ले, यही रहता है। और आज मैं थोड़ा सा चिकना और छिला हुआ अंडे की तरह अगर आपको नजर आ रहा हूँ तो मैंने आज ही अपने आप को खरोंचा ऐसे ऐसे करके, है ना, क्योंकि नहीं, आज तुम्हारी तबीयत में थोड़ा सा सुधार है। हाँ, थोड़ा सा सुधार भी है, ऐसा भी आप कह सकते हो। किचन की तरफ पलायन करें, और ये कुछ कुछ चीजें बनाई जा रही हैं, ये आप देख सकते हैं। ये दो मिर्चियां हैं जो जीवन में लाल और हरी हैं, और ये लगती भी नहीं है ज्यादा। और ये क्या बन रहा है यहाँ पे, आलू चने की सब्जी बन रही है यहाँ पे। तो दो सब्जियां एक साथ तैयार हो रही हैं ताकि इट इज इजियर फॉर द नेक्स्ट डे स्लाइटली, क्योंकि काम इतना ज्यादा रहता है ना, हम लोग थोड़ा सा एडवांस में ही बना के रख लेते हैं, ये जरूरी हो जाता है। तो तबीयत के बारे में आपको अपडेट दे दूं कि मैंने कल जो है 3 दिन की दवाई यहाँ बनवाई और लेकर के आया, एंटीबायोटिक्स की एक्चुअली में। तो एंटीबायोटिक्स अभी मैंने सिर्फ एक टाइम ली, उसी से मुझे काफी हद तक काफी रिलीफ मिला। अभी नहीं ली तुमने, आज वाली खुराक मैं अब लूंगा, खाना खा के ले लूंगा। तो एक और चीज बताऊं, कल रात को ये ऐसे पड़ा हुआ था जैसे इसको कितना मारा गया भाई, कल मेरी तबीयत बहुत खराब हुई। अभी आज फिर से दर्द हो रहा है शरीर में? आज नहीं है ना, वो कल कुछ था, पता नहीं है इसके साथ अचानक से ही क्या हो गया। मुझे कह रही है कि मेरे पैरों में बहुत जोर से दर्द हो रहा है, और हाथों पैरों में दोनों में दर्द हो रहा था, पता नहीं क्यों हो रहा था, ये तो मुझे भी नहीं पता, ठीक है। और बहुत ज्यादा दर्द बता रही थी, उसी चक्कर में मेरे ख्याल से 2:30 बजे रात में आप सोए, उसी चक्कर में, है ना। इतना ज्यादा दर्द था, कल मुझे दोपहर से ही हो रहा था। हाँ, वो शाम के बाद वो फिर और बढ़ गया, बहुत बुरी तरह।
का रीजन नहीं पता है कि क्या हुआ, क्या रीजन रहा। चिकन गुनिया तो नहीं हो गया मेरे को? हाँ चिकन गुनिया भी है, नई नई बीमारियाँ। अच्छा तो वो दर्द अगले दिन बंद भी हो जाता है? हाँ ना, गलती सबको अपनी अपनी माननी पड़ती है, ठीक है ना। आदमियों को दूसरों की गलती भी माननी पड़ती है, औरत को सिर्फ दूसरों की गलती गिनवानी पड़ती है। आदमी सिर्फ दूसरों की गलती भी मानता है, अपनी भी गलती मानता है, किसी और की भी गलती मानता है, भगवान की भी गलती मानता है, और समाज की भी गलती अपने आप पे ही लेता है। सारी गलतियां सिर्फ आदमियों से होती है। क्यों होती है? अगर आप लोगों ने वो मोटिवेशनल वाला वीडियो देखा हो तो आप लोगों को भी पता होना चाहिए, है ना। जितने लोगों ने नहीं देखा, मैं किसी एक वीडियो में आपको बताऊंगा कि एक आदमी के दिमाग और एक लेडी के दिमाग में क्या डिफरेंस होता है। बहुत ही लॉजिकल डिफरेंस होता है। सबसे पहली चीज लॉजिकल क्या होती है, ये भी एक पॉइंट है, इस पे भी कभी बात में करूंगा। अभी ये मेरे से क्या कह रही है कि तुम हर रोज एक ही स्वेटर पहन रहे हो यार, तो मुझे ये जनता को दिखाने की क्या जरूरत है कि मैं नहाया हूं, मैं नहाया हूं, मैं नहाया हुआ हूं। लेडीज लोगों का काम होता है, लेडीज लोगों की जरूरत है कि उनको हर रोज दूसरा कपड़ा पहनना। अगर वो दूसरा कपड़ा नहीं पहनेंगे तो लोग डाउट करेंगे कि नहाया है कि नहीं नहाया है इस शख्स ने। बट हम लोग का क्या है, है ना, हम लोग एक ही कपड़ा पूरे पूरे हफ्ते पहन सकते हैं, है ना। कोई टेंशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं है इसमें, है ना। अगर आप लोग इसी स्वेटर को मेरे को 10 और ब्लॉग में भी देखेंगे तो भी बस मन में रखिएगा। तो तुम 4 दिन से सेम स्वेटर क्यों पहन रहे हो बताओ, तुम्हारे पास स्वेटर नहीं है? देश आजाद है, मैं स्वतंत्र हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं, मतलब अपने लिए। पीछे साफ खड़े हैं आपके ऐसे धर के, ये उसका ये पोज मुझे बड़ा बढ़िया लगता है, याद है ना। तो अभी मैं बता रहा था, पता नहीं, बाल छोड़ दे, बाल छोड़ मेरे। वो लड़कियों की पाउट पोजीशंस और उनकी सेल्फी पोजीशंस है ना, क्या वो कौन से वाले में पिछले ब्लॉग में गई है या नहीं गई है, लोगों को पता नहीं, देखी नहीं। अभी यार ये मेरे काट रहा, पहले इसको हटाओ। तो अभी मैंने जैसा अभी आप लोगों को दिखाया था, मैंने लिया है स्ट्रॉबेरी जूस एक गिलास भर के, और जैसे ही मैं अपनी डाइट फिर से चालू करती हूँ वैसे ही ये मेरे लिए फिर से चॉकलेट्स ले आते हैं। ऐसे इन्होंने बर्थडे पे किया था, और मैं वैसे पूरी साल मांगती रहूंगी वैसे नहीं ला के देंगे हैं। और जैसे ही मैं डाइट चालू करूंगी ईश्वर से डरो, भगवान उसके अगले दिन मेरे को इतनी सारी चॉकलेट मिल जाती हैं। ईश्वर से डरो अगर भगवान से नहीं डर रहे हो तो, झूठ बोलना पाप है। मैंने क्या बोला? हाँ। जैसे ही मैं डाइट चालू करती हूँ वो ठीक है, और ये देखो आप लोग, मतलब कैसे नहीं लालच आएगा किसी को, क्यों नहीं लालच आएगा? आ गया लालच, आ गया मेरे लालच, ओ मेरे लालच, मेरे लालच। बताओ ना, तो तुम एल्गोरिथम सॉल्व कर पाए मेरे साथ बैठ करके, कोई ना इम्प्रोवाइज्ड वर्जन भी तुमने नहीं दिया ना, तो तुमने में कोडिंग करने में जाओ तुम लोग यहाँ से, इधर आ इधर। तो आज है चॉकलेट डे, तो वैसे तो हम लोग कुछ सेलिब्रेट वेलिब्रेट नहीं करते हैं, पर ऐसे ही ले आए, ये ऐसे ही पढ़ लिया होगा इन्होंने, कहीं कहीं देख लिया होगा कुछ, तो तबीयत में अब सुधार है दोनों की काफी। डाइट मैंने चालू कर दी है 2-3 दिन से फिर से, लेकिन अब चॉकलेट आ जाती है तो थोड़ी सी टेस्ट करनी पड़ती है। हाय गाइस, वेलकम बैक अगेन। तो आज है अगला दिन, गुड मॉर्निंग ब्लॉग चल रहा है ये वाला कल से, तो मुझे लगा कि इसको कंटिन्यू आगे बढ़ा लेते हैं। नया ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले पहले इसको फाइंड अप करेंगे, फिर हम लोग नया ब्लॉग स्टार्ट करेंगे। तो काम अभी आप जैसा देख रहे हो, काम अभी फैला पड़ा है। एक्चुअली सुबह का टाइम है, हस्बैंड अभी थोड़ी देर पहले बस ऑफिस के लिए निकले, तो मैं अभी थोड़ा सा रुक के काम को सिमटाऊंगी। लाइक मैंने बताया था आपको कि मैं थोड़ी देर रुक के काम करती हूँ, तुरंत से नहीं करने लग जाती हूँ। तो दिन बहुत प्यारा है, धूप निकली हुई है, बहुत ही प्यारा सुंदर सा खिला खिला सा दिन है। और अभी मैं नाश्ता करने जाऊँगी, नाश्ते में मैं चीला बनाऊँगी अपने लिए बेसन वाला,
और कपड़े मेरे हो रखे हैं गंदे हमारे प्यारे से लाइव टेडी बियर की वजह से। तो आज है टेडी बियर डे। जी हाँ, आज है टेडी बियर डे। वैलेंटाइन वीक चल रहा है तो बहुत सारे लोग इसको सेलिब्रेट भी करते होंगे। हालांकि हम लोग सेलिब्रेट नहीं करते हैं, लेकिन हाँ जो भी चीज़ें आसपास होती हैं उसी से एक दूसरे को विश कर देते हैं। मतलब मैं तो नहीं करती, यही कर देते हैं। क्योंकि एक किस्सा था कि शादी से पहले हम लोगों मैं इनसे खूब लड़ जाती थी कि हाय तुम मेरे को विश नहीं करते हो, हाय तुम मेरे को विश नहीं करते हो। शादी हो गई तो हर चीज़ समझ में आ गई कि यार विश करना इज नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, आपका साथ में रहना ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो अब ये चीज़ सब बचकांड लगती है, मतलब बहुत बचकानी चीज़ें लगती हैं कि मैं क्यों ही कहती थी यार। मतलब इतनी समझदारी नहीं थी मेरे अंदर पहले, अभी मुझे सारी चीज़ें समझ में आती हैं। अब सब पता है मुझे कि हर चीज़ हर कोई एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपनी फीलिंग्स अपने इमोशंस दिखा नहीं पाते हैं, समझा नहीं पाते हैं, आपको खुद ही समझना होता है। तो मेरे पति देव उनमें से हैं जो अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस नहीं करते, दिखाते नहीं, फीलिंग्स को इमोशंस को शो नहीं करते। आप खुद समझ रहे हो तो अच्छी बात है, अदरवाइज वो अपने से खुद से नहीं चीज़ें कभी भी आपको शो करेंगे। तो टेडी बियर डे है, मेरे पास है मेरा लाइव टेडी बियर, मेरा सिम्बा इस साल। तो मुझे तो टेडी नहीं चाहिए, मेरा है लाइव टेडी बियर मेरे पास और मैं उसके साथ बहुत खुश हूँ। अभी मैं नाश्ता करने जाऊंगी और फिर हो सकता है कि आज मैं थोड़ी देर के लिए धूप में भी जाऊँ। बहुत प्यारी सी धूप निकली हुई है और फिर हम लोग नया व्लॉग स्टार्ट करेंगे इसके बाद। अभी मेरा चेहरा अगर फूला सा लग रहा होगा तो मैं अभी थोड़ी देर पहले बस सो के उठी थी, हस्बैंड को टिफिन वगैरह उनका जो भी रहता है सारा सुबह वाला वो सब करवर के दिया उनको। और फिर अभी मैं बस आप लोगों से बात करने आ गई कि इस वीडियो को पहले हम लोग एंड करेंगे फिर हम लोग नया वीडियो स्टार्ट करेंगे। तो मैंने ना एक चैलेंज अपने आप को दिया है, 365 डे व्लॉगिंग चैलेंज। तो पता नहीं मैं इसको कितना आगे ले जा पाऊंगी, कितना मैं इसको कंटिन्यू कर पाऊंगी, लेकिन मैं हर दिन व्लॉग करूंगी। चाहे मैं सिर्फ इतना सा व्लॉग बना के डालूं, लेकिन मैं कोशिश करूंगी अपनी तरफ से कि जितना ज्यादा मैं अपने आप को पुश कर सकूं व्लॉगिंग के लिए, मैं उतना ज्यादा अपने आप को पुश करूंगी। और अगर आप लोगों को हमारे वीडियोस, हम लोगों की छोटी सी नोकझोंक, हम लोगों की फैमिली की जो चिटचैट्स होती हैं, हमारी जो बातें होती हैं, सिम्बा आ गया मेरी चप्पल ले गया मेरी। तो आप लोगों को अगर हमारे व्लॉग्स, हम लोगों की बातें अगर अच्छी लगती हैं, हम लोग पसंद आते हैं कहीं से थोड़ा बहुत भी, तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट करके बताइए कि आपको और क्या देखना है। ट्रैवलिंग देखनी है, फूड व्लॉग्स देखने हैं, ट्रैवलिंग देखनी है, या जिस भी तरह के नए अपने पसंद के अगर आपको चीज़ें देखनी होती हैं हमारे व्लॉग्स में, तो आप प्लीज़ 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 शेयर कर दिया करिए कमेंट सेक्शन में, हम लोग आपके लिए ज़रूर से शूट करेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मैं मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।